या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हरदम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। आज इसे बात करनी है। प्रधानमंत्री जी ने सही 12 बजे पूरे सदन के सामने जीएसटी को लागू किया। पूरे देश में आज ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली होती है। आज इनसे पूछते हैं कि जीएसटी से क्या फायदे होने वाले हैं और जीएसटी देश पूरे देश में एक टाइम पूरे हर राज्य में लागू हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी तो एक सपना था पूरे देश का और तो दुनिया में सब कहीं लागू हुए, हमारे देश में नहीं। तो आज एक बहुत अच्छा मौका आया और हम ये कहते हैं कि ऐतिहासिक ये पल था कल का, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जेटली जी और हमारे श्रद्धेय मोदी जी दोनों के अथक प्रयासों से जीएसटी लागू हो पाया है। बहुत अड़चने भी आई, तो 3 साल हमारी सरकार हो गए हैं, 3 साल से लगातार कोशिश हो रही थी जीएसटी पास हो जाए। कई बार विरोध हुआ, कई बार संशोधन हुए, विपक्ष ने बहुत हंगामा किसके ऊपर किया, लेकिन जीत हम लोगों की हुई, हम लोगों की नहीं पूरे देश की जीत है समझिए। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे अभी तो पता ही चलता था कितना टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कितने, जो डायरेक्ट लोग समझ में आ रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, तो ये सबको मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के एक चीज बना दी गई, एक टैक्स कर दिया गया। तो आम आदमी इसको अच्छे समझ सकता है कि भाई हमें इतना टैक्स देना है सरकार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मिडिल टैक्स इतने होते थे कि आदमी पता ही चलता था हम कहाँ पर हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अब टैक्स की चोरी रुकेगी, देश का विकास होगा, जो भी टैक्स लगना है सामने होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। विधायक जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। पहले तो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते थे, तो आपका राष्ट्रपति जी इतने अच्छे चुन के लाए मोदी जी, जिनकी वाकई में पूरा देश प्रशंसा कर रहा है, लखनऊ प्रशंसा कर रहा है, पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी चमत्कारिक प्रयोग करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, जैसे पहले नोटबंदी पे चमत्कारिक प्रयोग हुआ था, कुछ लोग उस टाइम पे बोले थे, विपक्ष भी बोला था, लेकिन बिल्कुल शांत हो गया, बहुत अच्छा लोगों को लगा, आज हर आदमी खुशहाल है। और अब जीएसटी इतना अच्छा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री जी से बढ़ गई है। और मेरे को ऐसा लगता है ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी दूसरी बार हमें नहीं मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी के विषय में आप कुछ कहेंगी, चूंकि आप विधायक रही हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड वोटों से आप विधायक रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी तो हम कह सकते हैं चमत्कारी व्यक्तित्व हैं उनका, और मैं तो उन्हें संत प्रधानमंत्री कहेंगे। एक संत जिसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, उसे कोई अपने व्यक्तिगत कोई लालच नहीं, सिर्फ देश 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 सब देश के लिए वो काम कर रहा है। हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया में देश को मान्यता मिले, जो दिलवा रहे हैं ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व है ये, जो दुनिया के देश, जो पश्चिम के देश, यूरोप, अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये अपने आप को राजा कहते थे। और ये जब हमारे यहाँ फोटो खींचते जाते थे सफेदों की और गरीबों की, गरीब झुग्गी झोपड़ी की, और वहां दिखाते थे तो भारत ये है। आज एकदम सब सिनेरियो बदल गया, आज भारत ये नहीं, आज भारत आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृश्य से बहुत आगे चला गया। एक चमत्कारी व्यक्तित्व ने आज भारत का सम्मान आसमान पे कर दिया। आज मोदी जी जाते हैं पलक पावड़े बिछते हैं, आप देखो संसद में जब अमेरिका संसद में मोदी जी ने जब एक बार कितनी बार लोगों को तालियां बजाई, कितनी बार लोग खड़े होके उनको चीयर किया, ये अपने आप में हमारे देश की, मोदी जी की भी नहीं है, वो पूरा देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री तो एक व्यक्तित्व होता है, एक जाता है, लेकिन वो व्यक्तित्व जिसने पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया, जिसने पूरे भारत को दुनिया में अग्रणी देशों में खड़ा कर दिया, ये ऐसे प्रधानमंत्री को हम तो ईश्वर स्वरूप ही कहेंगे और संत को नहीं, इसमें दो राय है नहीं। और हम तो कहते हैं सदियों में ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा, और ना कभी पहले मिला ना मिलेगा। ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री को लंबी आयु दे और परसों बरस तक हमारे नेतृत्व करते रहे। पूछना चाहता हूँ आपसे, प्रधानमंत्री जी दिन का दिन प्रयोग करते हैं, अब की उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, एक बहुत बड़े सीनियर आईएएस हैं राजीव कुमार जी, और राजीव कुमार जी पीएमओ में सबसे अच्छे इस टाइम पे आईएएस हैं। और उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेवारी है प्रमुख सचिव बना के उन्होंने लखनऊ भेजा है,
और लखनऊ जाते, चूंकि हम लोग अभी परसों लखनऊ होके आए थे, आपका हमारा मंडल आया गया था मिलने के लिए, योगी जी से मिला, बात की वहां पे, तो अब कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जुलाई से इतना युद्ध स्तर पे यूपी में काम होने वाला है, जितने पूर्व विधायक हैं उनको भी हम बुलाए हैं लखनऊ में कि भाई किस किस तरह से योजना मिलनी चाहिए, किस किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी सारे पुराने नए नए विधायक अभी बने हैं जाकर नए, तो योगी जी कहते हैं पुराने विधायकों की भी प्राथमिकता हमारे यहाँ पे होगी और उनकी ली जाएगी, उनकी सलाह लेके ही उनके साथ काम किया जाएगा। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? योगी जी भी संत हैं, मोदी जी और योगी जी दोनों का साथ ऐसा साथ है जो हम मतलब ऐतिहासिक साथ है, और ये साथ अगर लंबा चला तो देश प्रदेश दोनों तुरंत बदल जाएंगे। योगी जी आए, योगी जी के साथ भी वही है, कोई आगे पीछे नहीं, सब देश सब प्रदेश इसी की बात को करते हैं, कोई व्यक्ति का स्वार्थ है नहीं कि बच्चों को अपने एस्टेब्लिश करना, परिवारवाद चलाना है। और योगी जी तो बार बार टीवी में हम सुन रहे, कल भी कह रहे थे परिवारवाद को खत्म करना, जहाँ ये सब चीजें खत्म हो जाए वहां तो अपने आप राष्ट्र की उन्नति हो जाती है, जहाँ स्वार्थ निस्वार्थ खत्म हो जाए, जहाँ अपना निजी स्वार्थ हो, व्यक्ति का स्वार्थ वो खत्म हो जाए तो विकास का अपने आप रहेगा। और योगी जी जो है वो एक एक कदम को उठाते, इस समय जो भी सचिव आ रहे हैं, जो भी हमारे अधिकारी जो बदले जा रहे हैं, जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जो किसी गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो अधिकारी आते थे वो सब कैसे होते थे और क्या क्या करते थे, और ये बदल चुका है। अब जो अधिकारी आ रहे हैं वो चुने हुए अधिकारी हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, जिनकी छवि ईमानदारी की है, ऐसे पुलिस ऑफिसर ऐसे अधिकारी हर बड़े ऑफिस में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और जब आप समझे ईमानदार लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे, तो देश का और प्रदेश का विकास निश्चित रूप से है, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। विधायक का ये लास्ट सवाल है, आपने कहा कि पूर्व विधायक देखिए मेरा तो सौभाग्य होगा अगर मोदी जी बुलाए, मैं अपनी सारी राय दूंगी, मैं तो उद्यमी भी रही हूँ, इंडस्ट्रीज रही हूँ, मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, मैं विधायक भी रही हूँ, जो अनुभव है ऐसी जेवर एयरपोर्ट अभी पास हुआ है, और चूंकि आप यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और यहाँ पे योगी जी भी और सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे हो, चूंकि आपका रामदेव बाबा का विश्वविद्यालय बन रहा है, संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है, और बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारे अगर गिनाना चालू करेंगे सुबह शाम हो जाएगा। हम लोग सीधी बात कहते हैं कि वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर जो आपका सितंबर के महीने में आने वाला है, आप उसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि वाइब्रेंट गौतम बुद्ध नगर जो हो रहा है उसके लिए तो बधाई संदेश चाहिए आपका, और एक नोएडा के विकास की बात है। जनता को, आप सबको, पत्रकारों को, हमारे शहर की जनता जो है गौतम बुद्ध नगर, विशेष रूप से नोएडा की जनता, देखिए बहुत काम हो रहे हैं। अभी देखिए 25 एकड़ का परिसर पे एक सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, दो डॉक्टर महेश शर्मा ने यहाँ बनाए केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, सेक्टर 62 में एक तो फूड फेडरेशन का और पूरे उससे कैंपरी नाम देते हैं ऐसा, जहाँ सारी पूजी पूरे भारत के वहाँ पर आप मिलेंगे, और एक सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, दो तो ये बन रहे हैं, एक इंडिया हेरिटेज सेंटर के तर्ज पर मेरी बहुत विशेष रुचि थी और विशेष डिमांड थी, जब मैंने कहा कि ये डिमांड आप पूरी होने जा रही है, तो ये दो तीन यही सामने दिख रहे हैं जो नोएडा के लिए। अभी आपको देखो नलगला का शहीद स्मारक बनने जा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत काम होने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि दो वर्षों में हमारी सरकार सत्ता के नहीं आई, हमारी सरकार काम करने की आई, तो काम कर रहे हैं हमारे सारे मंत्री, काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे मंत्री काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ होगा, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, जैसे मोदी जी ने सेंटर में किया, ऐसे योगी जी ने भी किया, तो अपने आप आप मुझे विकास की गंगा बहेगी तो रोक नहीं सकता। और ये वाकई में दावे के साथ हम कह सकते हैं कि साल दो साल के अंदर आप देखिएगा यूपी और पूरा देश एकदम बदला करेगा, जो दुनिया और भी ज्यादा लतमस्तक होगी, और जो विश्व गुरु बनने का हमारे वाजपेयी सपना है
उसकी राह पर मोदी चल रहे हैं, बहुत जल्दी मोदी हम सबको नसीब होने वाला। धन्यवाद। आज हमारे साथ थी नोएडा की विधायक, पूर्व विधायक विमला बाथम जी।